हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि रिक्वेस्ट आ रहा था सीएमआर 2017 पे वीडियो बनाइए, तो ऑन पब्लिक डिमांड चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो या प्लांट हो, उसको चलाने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमारे घरों में बिजली आती है इंडियन स्टैंडर्ड का, वो 230 वोल्ट का आता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है उसका, जो रेगुलेट करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, सेफ्टी को, सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी अप्लायंसेस का। इंडिया में जो प्रोविजन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तय करती है वह सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक कानून दिया है इन सब को रिगार्डिंग। उस कानून का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। इसी कानून के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ऑपरेट होता है और सारा ऑपरेशंस प्रोविजन इसी में समाहित है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रैफिक सिस्टम में, तो इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन होता है, लॉज होता है, जैसे कि लेफ्ट में चलना है, लाल बत्ती जलने पे सिग्नल पे रुक जाना है, ऑरेंज जलने पे अलर्ट हो जाना है, ग्रीन जलने पे चलना है, साथ ही व्हीकल का रजिस्ट्रेशन का टर्म्स कंडीशन, पॉल्यूशन का स्टैंडर्ड, कैसे ऑपरेट करना है, वो सब चीज़ों को, वो सारा कानून जिसमें समाहित है वो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसी तरह जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, जैसे किसी भी प्रोफेशनल का स्टैंडर्ड तय करना हो या रजिस्ट्रेशन करना हो किसी भी डॉक्टर्स का, या फिर किसी भी कॉलेज को परमिशन लेना हो, मेडिकल कॉलेज को किसी कोर्स को परमिशन देना हो या इम्प्लीमेंट करना हो, या किसी भी कॉलेज का सीट नंबर ऑफ सीटेट में बदलाव करना हो, तो वो फैसला लेती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक नियम कानून यानी कि रूल रेगुलेशन दिया हुआ, उस रूल रेगुलेशन का नाम है इंडियन मेडिकल काउंसिल रूल 1957। इसी तरह से जब हम फैक्ट्रीज़ या किसी प्लांट की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि पब्लिक हेल्थ का सेफ्टी, मशीन का स्टैंडर्ड, उसको ऑपरेट करने का तरीका, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, प्रोविज़न रिगार्डिंग हजार्डियस कंडीशन, पब्लिक वेलफेयर, ये सारा चीज़ जो इंक्लूडेड होता है फैक्ट्रीज और प्लांट से रिलेटेड, वो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में, जो कि दिया गया है DGMS के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं ऑयल इंडस्ट्री का, तो ऑयल इंडस्ट्री के लिए जो रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन सेफ्टी स्टैंडर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा जिसमें लागू है, जो प्रोविजन के हिसाब से काम होता है, वो है द ऑयल माइन रेगुलेशन 2017 के द्वारा, ये दिया गया DGMS के द्वारा। जब मेटल माइन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो मेटल माइन में काम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन से लेके मटेरियल का डिलीवरी तक का जो सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन जिसमें समाहित है, वो है द मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 बाय DGMS। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, जैसा ही कोल सेक्टर भी, चाहे कोल माइंस ऑफन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो या कोई भी मेथड ऑफ वर्किंग्स में इंप्लीमेंटेड हो, जैसे लॉन्ग वॉल, बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट, डिप्लेयरिंग, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कोई भी हो, सेफ्टी प्रोविजन, हजार्डियस प्रोविजन, किसी भी वर्कर या ऑफिशियल का एलिजिबिलिटी तय करना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से रिगार्डिंग या सर्कमस्टांसेस से रिगार्डिंग प्रोविजन रूल रेगुलेशन जिसमें दिया गया है, जिसमें बनाया गया है, वो है कोल माइंस रेगुलेशन। कोल माइंस रेगुलेशन को सबसे पहले बनाया गया था 1957 में, बट टाइम के साथ साथ माइनिंग फील्ड में बहुत सारे चेंजेज आए, बहुत सारे मैकेनाइज्ड मशीन्स आए, मैकेनाइजेशन हुआ, सिस्टम ऑफ वर्किंग में बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारे सिस्टम ऑफ वर्किंग में कुछ फॉल्ट आया जिसके कारण कुछ एक्सीडेंट्स भी हुआ, प्रोडक्शन रेट बढ़ाना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खपत बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का खपत इसलिए बढ़ गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इन सारी चीज़ों से जो कोल माइंस रेगुलेशन है वो प्रभावित हो रहा था, और फाइनली इसको रिवाइज किया गया, यानी कि CMR को रिवाइज करके 2017 में फिर से लागू किया गया। CMR को जो प्रकाशित किया गया था वो भारत का राजपत्र यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया था, न्यू दिल्ली से श्रम एंड रोजगार मंत्रालय के द्वारा। जो तारीख था प्रकाशित होने का वो तो 27 नवंबर 2017। 27 अक्टूबर 2011 को अधिसूचना जारी करके सजेशन मांगा गया कि 3 मंथ के अंदर कमेटी को CMR से रिगार्डिंग संशोधन का सजेशन देना है, और फाइनली 27 नवंबर 2017 को लागू किया गया रेगुलेशन। जो नया रेगुलेशन है उसमें 260 रेगुलेशन है, 17 चैप्टर्स हैं, और 260 रेगुलेशन के साथ अनुसूची यानी कि सिंबल दिया गया है। इसमें जो जोड़ा गया है वो कॉन्ट्रैक्टर्स जोड़ा गया है, कोल बेड मीथेन जोड़ा गया है, कोल माइन मीथेन जोड़ा गया, डीप कोल ब्लास्टिंग जोड़ा गया, और हटाया गया है मंथली रिटर्न्स। तो आज से हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले दिनों में भी कंटिन्यूअसली वीडियो आने वाला है लॉकडाउन के चलते, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।